गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से स्नैपचैट के अंदर अपना अकाउंट आप बना करके किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइज़, अगर आपने जो है अभी स्नैपचैट को अगर आपने जो है डाउनलोड किया है अपने, और इसके अंदर गाइज़ आप अपना जो है अकाउंट बनाना चाहते हो और अकाउंट बना करके आप इसको जो है यूज़ करना चाहते हो, तो गाइज़ इसके लिए जो है हम सबसे पहले स्नैपचैट के अंदर चले जाते हैं। तो गाइज़, इस तरीके से स्नैपचैट के अंदर जाने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा, और नीचे साइड में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, लॉगिन का और सिंगअप का। अगर गाइज़ आपने जो है पहले भी अगर अपना जो है कि स्नैपचैट अगर डाउनलोड करके पहले भी रखा हुआ था और उसके अंदर अगर आपने जो है अकाउंट बनाया हुआ था, तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन के अंदर जो है क्लिक करके इसको लॉगिन कर लेना है। और अगर गाइज़ आपने जो है नया नया स्नैपचैट जो है डाउनलोड किया और इससे पहले अगर आपने जो है अपना जो है स्नैपचैट इससे पहले आपने यूज़ नहीं किया था, तो इसके लिए गाइज़ आपको सिंगअप वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। सिंगअप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो है कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर जो है गाइज़ आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर जाकर गाइज़ क्लिक कर देने के बाद इस तरीके से जो भी चीज़ें आएंगी आपको जो है उनको अलाउ कर देनी है। इस तरीके से गाइज़ आप जो है अलाउ कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज़, यहाँ पर जो है आपसे दो ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, डैनी का और अलाउ का। तो गाइज़ यहाँ पर पूछ क्या रहा है, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर पूछ ये रहा है कि क्या आप जो है अपने जितने भी आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या आप जो है उनको एक्सेस करना चाहते हो। अगर गाइज़ करना चाहते हो तो आपको अलाउ कर देना है, और नहीं करना चाहते हो तो आपको डैनी कर देना है। मैं जो है उन लोगों को अलाउ करना चाहता हूँ, तो गाइज़ मैं इस तरीके से जो है उन लोगों को अलाउ कर देता हूँ। और अलाउ करने के बाद गाइज़ जो है गाइज़ यहाँ पर जो भी आपका नाम होगा वो नाम आपको जो है यहाँ पर फिल कर देना है। तो गाइज़ हम यहाँ पर तरीके से आप देख सकते हो हमने अपना नाम फिल कर लिया, और नाम फिल करने के बाद आपको जो है सिंगअप एज एक्सेप्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और इस तरीके से गाइस यहाँ पर जब इस तरीके का डेस्कटॉप खुल जाए, तो आपको जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस हम जो इस तरीके से अपना डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर जो है गाइस क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर देने के बाद गाइस आप जो है नीचे साइड में आपको जो है कंटिन्यू का ऑप्शन एक बार देखने को मिल सकता है, आपको जो उसके ऊपर जो है कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर जो है गाइस क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ पर आपको जो है पासवर्ड अपना सेलेक्ट कर लेना है स्नैपचैट का। तो गाइस हम जो है यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है इस तरीके से फिल कर लेते हैं, और फिल कर लेने के बाद जो है कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर जो है गाइस हम क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से गाइस कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देने के गाइज अब यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर जो है ऑटोमेटिक आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर जो है नोट होकर के आ गया है। अगर गाइज आपके मोबाइल में इस तरीके से नहीं आता है, तो आपको जो है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर लेना है, और मोबाइल नंबर फिल कर लेने के बाद आपको जो है कंटिन्यू क्वेश्चन के ऊपर जो है गाइज क्लिक कर देना है। कंटिन्यू क्वेश्चन के ऊपर गाइज क्लिक कर देने के बाद अब जो मोबाइल नंबर आपने फिल किया रहा होगा उस मोबाइल नंबर के ऊपर जो है एक ओटीपी आएगी, और वो ओटीपी जो है गाइज आने के बाद अपने आप जो है आपके मोबाइल में रजिस्टर्ड हो जाएगी। अगर गाइज मान लो अगर वो अपने आप रजिस्टर्ड नहीं हो रही है, तो आप जो है अपने मोबाइल के मैसेजेस के अंदर जा सकते हो, और वहाँ से देख करके वो जो है ओटीपी वहाँ पर फिल कर सकते हो। गाइज यहाँ पर आप गाइज देख सकते हो इस तरीके का डैशबोर्ड आपके मोबाइल के अंदर खुल जाए, तो आप गाइज यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट के जितने भी सारे लोग होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज वो सारे लोग यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो उनको जो है गाइज आप उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे साइड में आपको कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर जो है गाइज आपको क्लिक कर देना है। तो गाइज हम कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर इस तरीके से क्लिक कर देते हैं, और गाइज उसके बाद फिर से जो है हम कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर जो है गाइज क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद जो भी चीज़ें आएंगी हमें जो है उनको फिर से अलाउ कर देनी है, और अलाउ कर देने के बाद गाइज ऊपर आपको जो है एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्कीप का, आपको जो है इस चीज़ को यहाँ पर स्कीप कर देनी है। और स्कीप कर देने के बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो टर्न ऑन वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद गाइज जो भी चीज़ें आएंगी आपको जो है उनको अलाउ कर देनी है। तो अलाउ कर देने के बाद गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो फिर से जो है जब आप इस चीज़ को अलाउ कर दोगे इस तरीके से, तो गाइज आप देख सकते हो हमारा जो स्नैपचैट है वो उसके अंदर हमारा जो अकाउंट है वो बन गया है। तो कुछ इस तरीके से गाइज आप स्नैपचैट के अंदर अपना अकाउंट कुछ इसी तरीके से गाइज बना सकते हो, और बनाने के बाद जो है आप इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से इसके अंदर आकर कर सकते हो। सो आइए गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समय में जरूर पसंद को सब्सक्राइब कर दो गाइज, ताकि तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको देखने को मिलती रहे।